गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आवर टुडेस टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। देयर आर फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स: वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल एंड केमिकल्स, नोजोट्स, सार्कोट्स, इम्पेंड्रोबेलिया एंड सिंथेटिक सोर्सेज। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट वेजिटेबल किंगडम। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग होम्योपैथिक ड्रग सोर्सेज। सो वी विल स्टार्ट आवर वीडियो एंड लेट्स सी। होप यू एंजॉय द वीडियो। एनिमल किंगडम से बनाई जाने वाली ड्रग्स लिविंग और ड्राइड होल एनिमल या उसके डिफरेंट पार्ट्स सीक्रेशन को यूज करके बनाई जा सकती है। साथ ही साथ कई बार पॉइजनस एनिमल्स को वेनम या एनिमल के मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से भी मेडिसिन बनाई जाती है, जो अभी हम आगे वीडियो में सेक्शन वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले होल लिविंग एनिमल से बनने वाली ड्रग्स की। होल लिविंग एनिमल मतलब जीवित एनिमल को यूज करके ड्रग बनाया गया है। इसमें हमने एग्जांपल लिया है सबसे पहले एपिस मेलिफिका का, जिसका कॉमन नेम है हाइव बी। ये क्लास इंसेक्टा से है और फाइलम आर्थ्रोपोडा। सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर्मिका रूफा, जो क्रश लाइव आंट से बनती है, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फ्रेंड्स, होल लिविंग एनिमल्स से हम ड्रग्स बनाने की बात कर रहे हैं। होल लिविंग एनिमल्स जिसमें हम पूरे जीवित एनिमल को यूज करके ड्रग बना रहे हैं। इसमें हमारे पास अभी है स्पाइडर ग्रुप। स्पाइडर ग्रुप से बहुत सारी मेडिसिन बनती है हमारे होम्योपैथी में। अभी यहाँ पे हमने तीन एग्जाम्पल्स लिए हैं। यहाँ पे क्लास आर्किनेडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा ही रहेगा। पहला स्पाइडर है टेरेंटुला क्यूबेंसिस, जिसका कॉमन नेम है हेयरी स्पाइडर। सेकेंड है टेरेंटुला हिस्पानिका, जिसका कॉमन नेम है स्पेनिश स्पाइडर। थर्ड है थेरिडियन, जिसका कॉमन नेम है ऑरेंज स्पाइडर। इस ग्रुप में हमारे पास नेक्स्ट मेडिसिन है एस्टीरिया रुबेन, जिसका कॉमन नेम है कॉमन स्टारफिश। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज अ होल ड्राइड एनिमल ग्रुप। यहाँ पे मेडिसिन प्रिपेयर की जा रही है पूरे एनिमल को ड्राइड फॉर्म में लेके। यहाँ पे भी क्लास इंसेक्टा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। फॉर दिस ग्रुप वी हैव टेकन थ्री एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन इज ब्लाटा अमेरिकाना, जिसका कॉमन नेम है ग्रेट अमेरिकन कॉकरोच। सेकेंड इज ब्लाटा ओरिएंटालिस, जिसका कॉमन नेम है इंडियन कॉकरोच। द थर्ड वन इज कैंथेरिस, जिसका कॉमन नेम है स्पेनिश फ्लाई। आफ्टर डिस्कसिंग मेडिसिन प्रिपेयर फ्रॉम द होल एनिमल, नाउ वी विल डिस्कस मेडिसिन प्रिपेयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट एंड सीक्रेशन ऑफ एनिमल्स। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एनिमल स्केलेटन से कौन कौन सी मेडिसिन हम होम्योपैथी में बनाते हैं। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल स्लाइड है ये। यहाँ पे हमने डिफरेंट पिक्चर्स को यूज़ किया है याद करने के लिए। एक मेथड है, अगर आप किसी चीज़ को पिक्चर से या डायग्राम से लर्न करने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी भी याद होगा और लंबे टाइम तक दिमाग में रिटेन भी रहेगा। अब इन चीज़ों को अगर हम नेम्स की क्रैमिंग के साथ सिर्फ रट्टा लगा लगा के याद करेंगे तो वो ना तो याद होगा ना वो लंबे टाइम तक रहेगा और एग्ज़ाम में तो बिल्कुल याद नहीं आएगा। तो अभी हम देखते हैं एनिमल स्केलेटन से कौन सी मेडिसिन बन रही हैं। हमने यहाँ पे तीन एग्जांपल्स लिए हैं। दो एग्जांपल जो हैं वो क्लास कैल्केरिया और फाइलम पॉरीफेरा से हैं। पहला आपको दिख रहा है स्क्रीन पे स्पॉन्जिया टोस्टा, जिसका कॉमन नेम है रोस्टेड स्पॉन्ज। सेकेंड वन दिखने में ही पता चल रहा है बेडिया का, जिसे कॉमनली कहा जाता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। दिखने में ही पता चलता है कि वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होगा। थर्ड वन इज कोरेलिया रूब्रा। कोरेलिया रूब्रा, रूब्रा अगर वर्ड आ गया तो ऑब्वियसली इट इज रेड, तो उसे कॉमनली कहते हैं रेड कोरल, क्लास एंथोजोआ, फाइलम सीलेंट्रेटा। ये तीन एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए स्केलेटन कैटेगरी में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अकेरस, जिसमें आते हैं टिक्सन माइट्स। इसमें ट्रॉम्बिडियम की बात चल रही है, जो कि कॉमनली कॉल्ड रेड अकेरस ऑफ द फ्लाई, क्लास आर्किनिडिया एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब हम बात करते हैं एनिमल ब्लड से बनने वाली मेडिसिन की। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है ल्यूमुलस और ज़िपोजुरा अमेरिकाना, जिसका कॉमन नेम है द किंग क्रैब और हॉर्स फुट। इसके ब्लड से मेडिसिन बनती है, क्लास आर्किनिडा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब हम बात करते हैं एनिमल जूसेस से कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं इसके लिए। दोनों एग्जांपल फिशेस के हैं। फर्स्ट वन इज म्यूरेक्स, जिसका कॉमन नेम है पर्पल फिश, क्लास गैस्ट्रोपोडा एंड फाइलम मोलस्का। द सेकेंड एग्जांपल इज सीपिया, कॉमन नेम कटल फिश, क्लास सेफेलोपोडा एंड फाइलम इज मोलस्का अगेन।
फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एनिमल शेल से बनने वाली मेडिसिन की। यहाँ पे हमने इसके लिए एग्जांपल लिया है कैल्केरिया कैल्सिनाटा का, जो कि आप पिक्चर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी पिक्चर है इसकी ऑयस्टर शेल के क्लस्टर की। कॉमन नेम है इसका कैल्सिनीट ऑयस्टर शेल, क्लास बायवल्वा, फाइलम मोलस्का। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं एनिमल बैकबोन से बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। यहाँ हमने एग्जांपल लिया है गैडस लाटा का, जो कि कॉड फिश की एक स्पीशी से बनती है। नेक्स्ट स्पीशी की बात करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा ऑफ द एनिमल से भी मेडिसिन बनती है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया उसके लिए गैडस मोरवा का, जो कि कॉड फिश की ही एक स्पीशी। आप पिक्चर देख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस थंबनेल से बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन की। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एनी यूट्यूब थंबनेल और एनी वीडियो थंबनेल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थंबनेल से कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है, तो जिसके लिए हमने एग्जांपल लिया है कैस्टर इक्वाय का, जो कि एक रेड सब्सटेंस ग्रोइंग ऑन इनसाइड ऑफ द लेग ऑफ द हॉर्स और ए रूडिमेंट्री थंबनेल ऑफ हॉर्स, जिसे कहा जाता है, या अर्गॉट या फंगस भी कहा जाता है, उससे मेडिसिन बनाई जाती है, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हाइड से बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन की। इसके लिए एग्जांपल लिया है कार्बो एनिमलिस का, कॉमन नेम एनिमल चारकोल, क्लास मेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। अब हम बात करते हैं गिजार्ड से बनने वाली मेडिसिन की। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट गिजार्ड इज़। गिजार्ड वो पार्ट है बर्ड के स्टमक का, जहाँ पे कि जब वो खाना खाते हैं, वो जो भी वो खाते हैं, वो छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है डाइजेस्ट होने से पहले। दैट इज़ अ गिजार्ड। यहाँ पे गिजार्ड से बनने वाली मेडिसिन का हमने एग्जांपल लिया है इंग्लोविन, कॉमन नेम है उसका गिजार्ड ऑफ फाउल, क्लास मेमेलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्ट से बनने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन की। फॉर दैट पर्पज वी हैव टेकन अगेन थ्री एग्जांपल्स, क्लास तीनों की मेमेलिया और फाइलम कॉर्डेटा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज ऑर्चिटिनम, दैट इज अ टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्ट ऑफ मैन। देन उफोरिनम, दैट इज एन ओवेरियन एक्सट्रैक्ट ऑफ काउ और शीप। एंड द लास्ट वन इज मॉस्कस, दैट इज अ ड्राइड सीक्रेशन ऑफ प्रीप्यूटियल फॉलिकल्स ऑफ मेल मस्क डियर। अब हम बात करेंगे एनिमल ब्रेन से बनने वाली मेडिसिन लेसिथिन के बारे में, जो कि फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लास मेमेलिया और फाइलम कॉर्डेटा। अब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर से बनने वाली मेडिसिन की, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। अगेन वी हैव टेकन थ्री एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज फेल्पिसिनम, दैट इज अ फ्रेश गॉल ब्लैडर ऑफ डॉग। फेल्टोरी इज फ्रेश गॉल ऑफ हॉर्स एंड वुल्पिस फेल इज द फ्रेश गॉल ऑफ ऑक्स। फ्रेश लीवर ऑफ ऑक्स से बनने वाली मेडिसिन है वुल्पिस हेपर, क्लास मेमेलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन से बनने वाली मेडिसिन है टाइफोफेब्रिनम, जो कि लार्ज रोडेंट से बनाई जाती है, इसी क्लास मेमेलिया है और फाइलम कॉर्डेटा। लंग्स की अगर बात की जाए, तो वी हैव मेडिसिन वल्पिस पमो और पमो वल्पिस, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेश लंग ऑफ वल्प और फॉक्स, क्लास मेमेलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा। डाइजेस्टिव फ्लूड से बनने वाली मेडिसिन में नाम आता है होमेरस का, विच इज प्रिपेयर फ्रॉम डाइजेस्टिव फ्लूड ऑफ लाइव लॉबस्टर, जीवित लॉबस्टर को यूज करके हम मेडिसिन बनाते हैं, क्लास क्रस्टेशिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा। सीरम से बनने वाली मेडिसिन है सीरम एंगुलर इक्टोटॉक्सिन, विच इज एल सीरम और सीरम ऑफ द एल, क्लास स्पाइसेस, फाइलम कॉर्डेटा। ऑयल से बनने वाली मेडिसिन में हमने यहाँ पे दो मेडिसिन से एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट वन इज ओलियम एनिमल, जो कि डिपल्स एनिमल ऑयल और बोन ऑयल कॉमनली रेफर की जाती है, विच इज अ सीक्रेशन ऑफ द मेयर, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। सेकेंड इज ओलियम जेकोरिस, विच इज फ्रेश लीवर ऑफ द कॉर्ड और गैडस मोरवा। फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट डेंजरस स्लाइड ऑफ अवर वीडियो। हेयर एज यू कैन सी देर आर लॉट ऑफ स्नेक इन द स्लाइड। आई वी टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन प्रिपेयर फ्रॉम स्नेक वेनॉम्स, क्लास रेप्टिलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा। और फर्स्ट स्नेक इज क्रोटेलस हॉरिडस, कॉमनली कॉल्ड एज रैटल स्नेक। सेकेंड वन इज इलैप्स, कॉमनली कॉल्ड एज कोरल स्नेक। द थर्ड वन इज बॉथ्रॉप्स, दैट इज येलो वाइपर। फोर्थ वन इज लेकेसिस, सुरकू स्नेक। एंड फिफ्थ वन इज नाजा गोक्शुरा, कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया। When we're talking about snake venom, we cannot leave behind lizard poison. We have got a medicine from lizard poison, from Amphisbaena vermicularis or glass snake or snail-like lizard, class Zeptilia and phylum Chordata.
We have got medicine from spider poison also, from Latrodectus mactans, which is commonly called black widow spider or hourglass spider, class Acinetida, phylum Arthropoda. In homeopathy, we are also preparing medicines from insect poison like apium virus, commonly called as poison of honeybee, class Insecta and phylum Chordata. We have got medicine from poison of aqueous animal like Bufurana, commonly called tort, class Amphibia, phylum Chordata. Again, this is a very important slide, and it is a slide of milk and milk products. We have got number of medicines in our Materia Medica prepared from milk and milk product, classes Mammalia and phylum Chordata. I wanted to show all the major remedy in a single slide so that it will be easier for you to differentiate among them and to learn. First one is lac caninum, that is a dog's milk. Second is lac fel, that is cat's milk. Lac vaccinum, cow's milk. Lac vaccinofloc cream, it is cream. Lac defloratum is also cow's milk, but it is skimmed cow milk. Lac vaccinum coagulatum, as the name suggests, it has been coagulated, then it is curd. And we have got a medicine from ass milk, actually fermentation from ass milk. फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर मेंटेनिंग सो मच ऑफ पेशेंस. जैसा कि आप जानते हैं, हमने एनिमल सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स इस वीडियो में डिस्कस किया है, जो कि बहुत ही अच्छे से और काफ़ी लंबा हमने डिस्कस कर लिया है, और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए बाकी सोर्सेज ऑफ ड्रग्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. वेजिटेबल किंगडम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी.